इतना बड़ा चोर करीबन 1,00,000 लोगों को फ्रॉड करके उनको फुटपाथ पे लाके फिर इसके तस्वीरें माशाल्लाह एक से एक पॉलिटिशियन के साथ आया है। ऐसे खतरनाक मुजरिम को लोगों को एटलीस्ट ये होप भी कहीं दिख जाए कि हमारे पैसे मिल रहे हैं, ये होप वो भी होप नहीं है अब, क्योंकि मुझे लगता है कि ही विल इन्फ्लुएंस अ ट्राइब। लोग की जिंदगियां तबाह हुए हैं, वो लोग सामने आके मेरे सामने आके कोई बोला था इस महीने में उस साल में पैसे आएंगे, अब तो मालूम ही नहीं कब आएंगे। सुल्ताना, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि IMA स्कैम में मंसूर अली ख़ान को अभी बेल चुकी है, और इसी के सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए शहर के जाने माने हस्ती है जो शरियर खान जी है। जी हाँ, आइए इनसे बात करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये वापस बाहर आ चुके हैं और ट्रायल और प्रोसीडिंग्स भी चलेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इमेजेस ऐसे भी हैं जो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इनके तस्वीरें हैं, तो आपको क्या लगता है प्रोसीडिंग्स के दौरान ये इन्फ्लुएंस करेंगे? जुल्फी, देखिए, बेल इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ एवरी सिटीजन। आप किसी को इंडेफिनेटली अंदर नहीं रख सकते, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगा कि सर्टन केसेस में ये एक्सेप्शन होना चाहिए, स्पेशली इतना बड़ा चोर जो तकरीबन 1,00,000 लोगों को फ्रॉड करके कॉन करके उनको फुटपाथ पे लाके फिर इसके तस्वीरें माशाल्लाह एक से एक पॉलिटिशियन के साथ आया है, तो कोर्ट, देखिए कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ऑनरेबल कोर्ट का विजडम है जो उसे बेल देके है, लेकिन एज ए लेमैन एंड एज ए मैन हु हैज मेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स इसी ऑफिस में आके मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके केस में बेल देना जस्टिफाइड होगा या अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें बेधड़क, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े चोर हैं जो इन्हें मुंह खोला तो उन्होंने भी अंदर जाएंगे, तो इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता ट्रायल, तो इसे अभी इसको बेल का कुछ ऑर्डर्स भी हैं, मुझे ये नहीं मालूम इसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, क्या किसी पर्टिकुलर केस में बेल मिला है फिर दूसरे केस में नहीं मिला, नहीं मालूम, बट ऐसे खतरनाक मुजरिम को अलेज्ड एंड इतने फ्रॉडस्टर को प्रेमा फेसी इसको अंदर रहा जब तक लोगों को एटलीस्ट ये होप भी कहीं दिख जाए कि हमारे पैसे मिल रहे हैं, ये होप वो भी होप नहीं है अब, क्योंकि एक तरफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑनलाइन फॉर्म का सिलसिला जारी रखे है, एक तरफ कोर्ट अपना काम कर रही है प्रॉपर्टीज को जगह रख के लिक्विडेट करने का, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस इज लुक्स इनडेफिनेट एंड सो लॉन्ग टू अलाउ दिस अलेज्ड क्रिमिनल, आई विल नॉट कॉल हिम डायरेक्टली क्रिमिनल क्योंकि कोर्ट की ये हो जाएगी वो, बिकॉज इनोसेंस टू प्रूव गिल्टी का बात है, लेकिन प्राइमा फेसी दिस फ्रॉड दिस कॉनमैन को अगर पीछे ही रखें तो इट इज़ बेटर, मुझे लगता है कि ही विल इन्फ्लुएंस अ ट्रायल। जिस कदर के तस्वीरें हम लोग देखें, यू नो, इट लुक्स वेरी वेरी डेंजरस, एटलीस्ट विक्टम्स को कुछ होप तो आ जाए कि भाई इन्हें निकल रहे हैं, हमारे भी पैसे आ रहे हैं, प्रोसीडिंग्स अपनी जगह चलते रहते हैं, यहाँ तो पैसे मिलने दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं और ये चोर बाहर निकल के आ रहा है, दैट इज़ आई थिंक फेल्यूर ऑफ द सिस्टम, फेल्यूर ऑफ द एंटायर सिस्टम। मैं पूरे हमारे सियासतदानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी बेल प्ली को लीगल मीन्स ढूंढ के अपील करे कोर्ट को, हायर कोर्ट को जाए, बट दिस क्रिमिनल शुड नॉट बी अलाउड टू कम आउट। इसका मतलब आपको, आपका बोलने का मतलब है कि फ्रेश फ्रेश FIR, हाँ, कुछ फ्रेश FIR डाल दो इसके ऊपर, कितने लोग वहाँ की जिंदगियां तबाह हुए हैं, वो लोग सामने आके मेरे सामने आके कोई बोला था कि हम सर हमें एक्सीडेंट क्लेम्स के पैसे इसमें डाले हैं, उनकी राइट लाइट टू उनका लाइफ ये हो गया, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है। कई लोग हैं, इफ दे हैव नॉट फाइल्ड अ केस दे शुड इमीडिएटली गो एंड फाइल अ केस एंड एंश्योर दैट दिस क्रिमिनल, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो भी IMA का मुद्दा उठा के रखे हैं, उन्होंने भी कोर्ट में या लीगल जो है एजिटेट करके मैटर है उसको बाहर आने से रोकना है, एटलीस्ट तब तक रोकना है, बेल उसका राइट है, तब तक रोकना है जब तक इनको उम्मीद ना हो जाए कहीं दिखे तो इस महीने में उस साल में पैसे आएंगे, अब तो मालूम ही नहीं कब आएंगे बोल के। KPAD एक्ट और नो KPAD बर्ड्स एक्ट, मुझे लगता है कि कोई भी एक्ट अब वर्क नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं पैसे कब। देखिए, इन सारे एक्ट में टाइम फ्रेम है कि बिटवीन सो मेनी मंथ्स, सो मेनी ईयर्स, बट स्टिल वी डोंट नो व्हेन दिस पुअर पीपल विल गेट द मनी। ये मुझे लगता है कंक्रेंट होना चाहिए, कोर्ट शुड ऑल्सो टेक कॉग्निसेंस ऑफ द फैक्ट द वेल द यस द मनी हैज बीन रिकवर्ड एंड इट इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड एंड दिस इज द मनी मिल रहा है, हमें दे रहे हैं, अच्छा ये चोर को छोड़ो बोल के, अब ये मिलने का भी है, ये छोड़ रहे हैं इस थीफ को। लोगों का यही मानना है कि अभी तो वो बस बाहर आ चुके हैं और अब हमारा कैसा होगा, तो आपको क्या लगता है सर, कोई होप अभी
क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसीडिंग्स फॉलो कर सकते हैं? देखिए, बड़े अच्छे लोग हैं इसका मुद्दा उठा के हैं, जो आपके भी चैनल में आते हैं, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये हैं, आप खुद का चैनल भी है एक इसके, यू नो, टेकिंग अप राइट कॉजेस। ये सर, एज पर रिकॉर्ड्स शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद भी सेशन में आवाज़ उठा के हैं, आपको क्या लगता है सर? रिजवान अरशद साहब तो ज़रूर उठा के हैं आवाज़, उन हमेशा मेरे से भी टच में रहते हैं, और ज़मीर भी उठा के हैं आवाज़, ये लोग बात किए हैं। बट मैं कहता हूँ कि ये जो उसका बेल का सिलसिला है, उसके बारे में कुछ तवज्जो दे के, एंड यू नो कॉल द विक्टिम्स हू हैव नॉट फाइल केसेस एंड फाइल फ्रेश केसेस, एंड यू नो सी दैट दिस फ्रॉडस्टर डज नॉट कम आउट ऑफ द जेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल देर इज सम होप ऑफ दिस पीपल गेटिंग बैक द मनी। आई थिंक उन्हें अंदर है तो अच्छा, बाहर आए तो प्रूफ दैट यू नो ही इज सिटिंग हैविंग फन विद अ लॉट ऑफ पावरफुल पीपल, तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये थे शरियर खान जी, हम लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं हूँ जुल्फी, आपकी आवाज़।